नमस्कार प्रिय मदर फार्म्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दो तीन दिन से हम लोग अपडेट नहीं दे रहे थे, काम बहुत सारा चल रहा था। ये अपना स्प्रिंकलर लग रहा था, उसके बाद वो जो अपना क्यूबिकल लगा है उसका पाइप वगैरह पाइप लग रहा है अभी। और ये क्यूबिकल हम आपको दिखाते हैं कैसे क्यूबिकल जो है ये किस तरीके से पानी देगा गाय के शरीर पे। ये देखिए, ये इस तरीके से क्यूबिकल जो है वो पानी देगा और गाय अपनी इसमें जो है, हम लोग गाय को जितना चाहते हैं, जितनी देर चाहते हैं कि उसको पानी दें, वो हम लोग इसे पानी देंगे। और ये पूरे इलाके में जो है बराबर एक लेवल पे यहाँ से लेके वहाँ तक पानी देगी। तो ये अपना जो है स्प्रिंकलर का व्यवस्था है। और इसके अलावा जो दूसरा काम हम लोग करवा रहे हैं अभी, वो वहाँ क्यूबिकल के बीच के गैप को हम लोग ये ब्लॉक कर रहे हैं कि जो गाय इधर से घुसे वो उधर नहीं निकले, उधर वाली गाय इधर नहीं आए। एक क्यूबिकल का इस्तेमाल एक ही गाय करे, तभी जो है उतने कम जगह में हम लोग गाय को मिट्टी वाली सुविधा उपलब्ध कराने में सक्षम हो पाएंगे। तो एक तो ये अपना है। दूसरा अपडेट ये है कि फैन कुछ इंस्टॉल कराए गए हैं, तीन इंस्टॉल हुआ है। एक फैन अभी अपना ख़राब हो गया, वो भेजा गया बनने के लिए, वो भी बन के आ जाएगा तो वो लग जाएगा। उसके अलावा जो बड़े वाले फ़ैन होते हैं जो पंजाब में आप लोग देखते हैं, वो दो ऑर्डर हुआ हुआ है। तो टोटल हम लोग यहाँ पे तीन छः और दो आठ फैन लगा रहे हैं। दो बड़े वाले हैं और बाकी चार जो इंडस्ट्रियल फैन आते हैं जो यहाँ लगा हुआ है ऐसे हैं छः। और उधर वो जो है छेकन बनाया जा रहा है जिसमें गोबर और जितना भी इस तरीके का पानी होगा, देखिए जो गाय गोबर अभी करती है यहाँ पे, वो उसके पैर से कुचल कुचल के एकदम मिक्स हो जाता है पानी के साथ। जब हम लोग पानी के साथ इसको स्क्रैपर से हटाएंगे यहाँ से, तो सारा उधर हम लोग जो नाली बनाए हैं उस नाली से होके उधर कॉर्नर की ओर निकलेगा। और कॉर्नर पे फिर हम लोग जो है वो स्लरी खींचने वाला मोटर लगा रहे हैं, वो चला के आसपास का जो भी अपना 10-12 बीघा का खेती है वो सारे खेत में हम लोग उस पानी को छोड़ेंगे। यही नाली है, इसी नाली से होके उधर वो पानी निकलेगा उस खेत में। और उस खेत के कॉर्नर पे ही हम लोग बनाएंगे मशीन लगाने वाला सिस्टम, जहाँ अपना वो मोटर लगा रहेगा और वो मोटर जो है पानी को वहाँ से निकाल के सारे जितने भी खेत हैं उसमें पटाते रहेगा। तो ये हम लोग को पूरे गोबर का इस्तेमाल हम लोग ऐसे करेंगे। प्लस ये जो स्प्रिंकलर चीज़ है ये अभी तक बिहार में कहीं नहीं देखे थे, हम पहली बार इंस्टॉल कर रहे हैं। पंजाब में भी अभी इस डिज़ाइन से ऐसे करके बहुत कम लोग ही स्प्रिंकलर लगाए, ज़्यादातर फॉगर चलता है। अब फॉगर के साथ क्या प्रॉब्लम है कि फॉगर मिस्ट क्रिएट करता है और फॉगर को आप बरसात में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो मिस्ट होता है वो गाय के श्वसन तंत्र के थ्रू जो है उनके फेफड़ों में चला जाता है और फिर वो ढांसने वाली समस्या आपको ज़्यादा आएगी। ये क्या है, बारिश की तरह होता है, तो ये गाय को ठंडा भी जल्दी करता है और दूसरी चीज़ कि इसमें मिस्ट क्रिएट नहीं होता है तो नाक के थ्रू ये आपके फेफड़ों तक पानी को नहीं पहुंचने देता है। तो ये दो चीज़ है, बाकी छोटी छोटी चीज़ें जो कमी पे हैं उसको भी दूर कर रहे हैं। अभी जो जितना भी नाक था पानी का, उसमें वो आपको फुटबॉल हम लोग लगा दिए हैं। तो फुटबॉल लगाने से क्या हुआ है कि जो हम लोग उसमें पानी छोड़ रहे हैं, जितना वो गाय पानी पी रही है उतना ही पानी फिर भर भी जा रहा है। तो अब बार बार पानी पिलाने की समस्या नहीं है, गाय को जब जितनी मर्जी उतना पानी गाय पी सकती है। जो खाना है वो हम लोग खुला देना चालू कर दिए हैं, तो गाय के हेल्थ में भी पहले से 7-8 दिन में ही काफ़ी सुधार भी आया है यहाँ। अब जो एकदम लास्ट मिल्किंग पीरियड की गाय यहाँ हम लोग लेके आए हैं, वो वहाँ 6-7 लीटर दूध कर रही थी, यहाँ आकर के 8-8.5-9 लीटर तक दूध पे पहुँच गई। तो ये खुले रहने और अपने हिसाब से खाने और चलने की वजह से उनका सिस्टम का बेहतर होना, इसको एक रीज़न माना जा सकता है। तो देखिए, हम भी चाहते तो ये मेरा पहला स्टेज हो सकता था कि पहले स्टेज में इतना बड़ा हम सिस्टम बना दिए और सिस्टम में गाय ले। हमने ये नहीं किया है, पहले हम 6-7 गाय लाए, सीखे गाय के बारे में, उसके बाद अब शेड पे खर्च किए। ये जो खर्चा है अब मेरा, अगर हम इससे पैसा निकालना चाहेंगे तो मेरे लिए ज़्यादा आसानी होगी। अगर हम पहले शेड बनाते और गाय बाद में लाते तो गाय की नॉलेज कम होने की वजह से हमको बहुत नुकसान उठाना पड़ता है।
तो यही है, इसको डेली जो भी है करने का चीज़ स्टेप बाय स्टेप है। एक स्टेप आइए, फिर सेकंड स्टेप पे आइए, फिर थर्ड स्टेप पे आइए, फिर उसको इस लेवल पे लेके आइए कि हाँ वहाँ आपका जो है प्रॉफिटेबिलिटी एक ऐसे लेवल पे आ जाए कि हाँ काम लगे कि हाँ काम कर रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं, फिर हम लोग अगले अपडेट में और सारी बातें भी बताएंगे और जो है साइलेज का कॉस्टिंग वगैरह भी हम लोग बताएंगे। देखिए अपने से उगाने पे एक डेढ़ रुपये से ज़्यादा साइलेज का कॉस्ट पड़ता नहीं है, डेढ़ रुपये या दो रुपये मैक्सिमम, इससे ज़्यादा कॉस्ट नहीं पड़ता है। लेकिन आप खरीदिएगा तो आठ रुपये से कम नहीं पड़ेगा कभी भी, और वो आठ रुपये का खिला करके आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। तो अगर खुद से कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो कम से कम खेत से मक्का खरीद के साइलेज बनाइए। वो साइलेज पैक्ड साइलेज खरीदने से आपको प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आएगी, या तो सरकार दूध का रेट बढ़ा दे तब प्रॉफिट आ सकता है, और नहीं तो इस 32-35 रुपए के दूध में आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते हैं। खैर ये एक अपडेट था अपने फार्म का, फिर हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।